सारे हमारे रणजी के प्लेयर्स और छोटे बच्चे जो यहाँ पे आए हैं, बुद्धिमान खिलाड़ी सबका मैं आज इन सबकी उपस्थिति से मैं बहुत ही जो है प्रसन्न हूँ। और मेरठ कई बार आना हुआ, अमूमन रणजी मैचेस का बहाना बना के यहाँ लोगों से मिलना हो जाता है, मैं आ जाता हूँ। जैसा कि इन्होंने हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यूपी क्रिकेट अब लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आप एक फेहरिस्त निकालें तो देखेंगे हमारे कितने लड़के आईपीएल खेल गए और खेल गए और कितने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। एक दौर था कि जब सिर्फ गोपाल शर्मा, 30 साल में कोई दूसरा प्लेयर ही नहीं आया सिर्फ गोपाल शर्मा, एक लंबा गैप था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो है खेलते हुए आगे पहुंचे, और अभी देखो ध्रुव जुरेल का भी सिलेक्शन हुआ टीम इंडिया में। तो सबका बहुत उज्ज्वल भविष्य है, सबके लिए जो है सारे प्रयास किए जा रहे हैं विषय स्तर पर भी, वैसे भी कि भाई जो प्रतिभा है वो खोले ना पावे, ऐसा ना हो कुछ पता न चले सेलेक्टर और लोगों को, इसलिए प्रतिभाओं को मौका मिले। तो अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको 100% मौका मिलेगा, किसी की सिफारिश किसी भी उस तरह की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे रघुवीर जी कह रहे थे कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सिफारिशें कराते बोलते हैं, उनको नहीं कराना चाहिए, लड़के में दम है तो खुद ही आएगा। यहाँ जितने बैठे हुए इनके कितने के माँ बाप कभी आएंगे मिलने, कभी नहीं, टिंकू के फादर को तो मैं मिले नहीं कभी, और कभी जितने इंडिया खेले हैं किसी के पेरेंट्स ने कभी जो है कोई सिफारिश, सब ने अपने खेल के दम पे। और हमारा यह कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सबको मौका मिले, अगर कोई अच्छा है तो उसको अपने आप मौका मिले, ऐसा पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए, वो देने की खुशी होगी। और खिलाड़ी को महत्व दो, आज मेरठ क्रिकेटर्स ने वो किया, जो प्रशासक हम सब बैठे हुए जाड़े में भी उनको कपड़े का मिला है और जो प्लेयर है उनको शाल मिला है, तो ये अच्छी बात है कि उनको अच्छा सम्मान दिया जा रहा। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश क्रिकेटर्स संघ का नज़रिया यही है कि खिलाड़ी को महत्व दो, आप लोगों को मिलेगा। बाकी जो है कई बार कई चीज़ें आप लोगों को लगती होंगी कमी है या कुछ है, तो जो प्लेयर्स हैं वो सुनील जोशी जी को बता सकते हैं कि भाई हमारी ये दिक्कतें वो, और जो है बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है वो अलग से बता सकता है, सीईओ को, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इन सारे लोगों को, तो उन कमियों को दूर की जाए। गोपाल जी भी आपके साथ ही चल रहे हैं, और मुझे तो बड़ा उज्जवल भविष्य नज़र आता है और आगे क्रिकेट अभी बढ़ता ही जा रहा है। अब तो हमारी टीम इंडिया को फुर्सत ही नहीं है, अभी इंग्लैंड से खेलने के बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा, फिर वर्ल्ड कप शुरू, 12 महीने का कैलेंडर भरा हुआ है। और साउथ अफ्रीका में जो आज मेरी बात हुई वीएस लक्ष्मण से, तो वहाँ भी अंडर 19 का भी चल रहा वर्ल्ड कप, इंडिया ए भी है, वहाँ इंडिया ए का भी कोई मैच है, वहाँ है यहाँ पे है इधर ही है, तो उसको यहाँ पे तो लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप लोगों को जो है हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और लगे रहना चाहिए, उम्र कुछ नहीं, परफॉर्मेंस अगर है तो कभी भी दोबारा सिलेक्शन हो सकता है।
इसलिए कोई घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा कि इनके अंदर उत्साह है, और जो जिसकी ज़्यादा ऑटोग्राफ ले रहा है उसकी जान लो क्रेज आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो प्लेयर्स इन दोनों की तरफ, रिंकू और इनके लिए, समीर के लिए अच्छा है। तो ये स्टोरीज हैं, मोटिवेट करने वाली स्टोरीज हैं। सारे बच्चे कार्तिक जी जितने भी आप बैठे हैं सारे बहुत ही मतलब बहुत अच्छे हैं। मैं ही इसी मन से बिहार की टीम को भी बधाई दूंगा, उन्होंने अच्छे खेल का आज प्रदर्शन किया। और